अच्छे दिन ने ये सोच के फसल भाई थी कि भाई अच्छी पैदावार होगी तो बच्चों को इसे स्कूल में भेजेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छे बच्चों का अच्छी तरह से शादी विवाह करेंगे। लेकिन उनके पूरे सपने चकनाचूर हो गए और इससे तो ये बिल्कुल बुंदेलखंड के आसार नजर आ रहे हैं कि बुंदेलखंड का किसान जिस तरह से आत्महत्या कर रहा है, ये बिल्कुल आशंका मंडरा रही है कि कहीं राजस्थान और कुमाऊं के बेल्ट का किसान उस रास्ते पे न चल पड़े। माल की ज्यादा आमदनी हो गई है, लोगों ने किसानों ने ज्यादा पैदावार कर ली इस बार, इसलिए पीछे डिमांड नहीं है भाई। बाहर देशों में नहीं जा रहा इस टाइम पे माल, इसलिए माल ज्यादा सस्ता है। आज भी दिल्ली में प्याज 30 रुपए प्रति किलो के भाव है, यहाँ पे हम मंडी में लेकर के आ रहे हैं और मंडी में लेके आ रहे हैं तो हमें 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपये से ऊपर प्याज का कोई पैसा नहीं मिल पा रहा। अमूमन तो काश्तकार के 100 में से 90% काश्तकार के तो इस तरह का प्याज पैदा हो गया, इसलिए उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन 10% जिसने सरकार पे भरोसा नहीं किया, प्राइवेट जगह से कहीं से बीज खरीद करके लाया, उसका जो प्याज है वो भी 3 रुपए से ऊपर कहीं बिक नहीं पा रहा। और रुख को समझने के बाद हालात को समझने की बात है। डागर साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं समझना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट कैसे किया जाना था, कांग्रेस के राज में क्या होता था जो अब नहीं हो रहा, पहले भी रोया करते थे या फिर इसी बार रोना पड़ा है? देखो, ये दिन कांग्रेस में किसानों को कभी नहीं देखने पड़े जो आज की हालात बनी हुई है। मैं दोनों की बात करना चाहूंगा, आम आदमी की भी बात करना चाहूंगा। एक तरफ किसान को भी फायदा नहीं है, दूसरी तरफ आम आदमी को भी फायदा नहीं, तो फिर फायदा किसे? अश्वनी जी, ये बात बिल्कुल सही है और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप समय समय पर आम आदमी और किसान की बात अपने चैनल के थ्रू उठाते हो। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ना तो फायदा हो रहा है आम आदमी को, ना हो रहा है किसान को। अभी मैं थोड़े दिनों पहले की बाजार की बात करूंगा तो टमाटर जब किसान से यहाँ से मंडी में आ रहा था तो किसान को मूल्य मिल रहा था 10 रुपये किलो, और जब हमने मार्केट में मैंने खुद ने जाकर मालूम किया लालकोटी में, तो वहाँ टमाटर बिक रहा था 40 रुपये किलो। अभी टमाटर किसान का जा रहा है 1 से 2 रुपये किलो। चौमू की मंडी, यहाँ जयपुर की बात करें और यहाँ लालकोटी मुहाना मंडी की बात करें, तो किसान को 1-2 रुपये मिल रहा है और किसान अपने आप में बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है। वहीं हम जब रिटेल में बात करेंगे, ठेले पे जाकर कंज्यूमर की हैसियत से जाके बात करेंगे, तो वहाँ टमाटर वही 15 से 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। तो इस मामले में मॉनिटरिंग करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। सरकार प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, पूरा दायित्व तो बनता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो किसान के ऊपर टिकी हुई है। आज देश में बात करें कि देश की विकास का रास्ता किधर से गुजरता है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव खेत खलियान से गरीब के यहाँ से रास्ता गुजरता है, लेकिन अभी हो रहा है बिल्कुल उल्टा है, वहाँ के सारे रास्तों को बंद किया जा रहा है। किसान अपने आप में ठगा सा महसूस। पंकज जी, किसान को लेकर नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे जो मन में रह जाएगी या कभी बाहर भी आएगी? नहीं, देखिए बाहर आइए, मैं एक बात तो अभी डागुर साहब की बात में मैनेजमेंट नहीं है, नहीं, नहीं, मैं आ रहा हूँ। देखिए मैनेजमेंट की बात यह है कि क्या कंट्रोल आप बेसिकली एक एक मैन के ऊपर एक एक कंट्रोल रखेंगे या कोई सिस्टम डेवलप करेंगे? दो चीज़ें हैं। क्या ऐसी पॉसिबल है कि 125 करोड़ रुपये पे 125 करोड़ रुपये लोग आप जो है मैनेजमेंट एक दूसरे के ऊपर मैनेजमेंट रखेंगे? तो देखिए, जो चीज़ अभी इन्होंने कहा डागुर साहब ने, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये जो बात लोग नेताओं के बारे में समझते हैं, इन्होंने अभी एक बात कही कि 10 रुपये किलो मंडी में भाव, 40 रुपये किलो जो है उसके भाव। मुझे लगता है कि या तो हम नेताओं ने जो है कि ऐसी दुकानों से माल खरीदना चालू कर दिया कि जिनको अंबानी और अडानी चला रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि या फिर हम लोगों ने मंडी में नहीं गए, क्योंकि मैं जाता हूं मंडी के अंदर, मुझे पता है कि लोगों के भाव क्या हैं और क्या नहीं है। जो वहां से भाव आता है निश्चित रूप से उसका जो भाव आता है, क्या टमाटर का जो भाव आता है इसके प्याज के लेकर, अरे मैं किसान भी हूं, अरे सर मैं भी उसी, मैं जाति से जरूर ब्राह्मण हूं लेकिन आता उसी उससे हूं जिसके खेत से आता हूं और उससे भी आता हूं जहां से जो है गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी सब्जी मंडी में सब्जी बेचता है, क्या वो धनवान है? क्या वो आदमी ऐसा है जिसके पास में जो है कोई सवाल इस बात कर रहे हैं? पंकज जी, मेरा मूल सवाल था कि ये फायदा ले जा कौन रहा है, मंडी से लेकर और दूसरी मंडी के बीच का भाव कहां चला गया? मैं अश्विनी जी यही कह रहा हूं, देखिए दो चीजें बड़ी साफ साफ हैं इसमें, दो बड़ी साफ साफ हैं। एक वो आइटम है जो बेसिकली यहीं पे उगता है और यहीं पे खपाना होता है। मैं आपको एक परसों की छोटी सी घटना बताता हूं। परसों में जब टमाटर लाया तो 15 रुपए का 1 किलो टमाटर था, और मैं जब कल गया, एक ही दिन के अंदर आप हालत देखिए कि जब मैं कल गया तो 10 रुपए के 1.5 किलो टमाटर थे उसी मंडी के अंदर उसी जगह पर। तो इसका मतलब
भी है कि जब उस टाइम आवक ज्यादा थी, ग्राहक नहीं आया, तो उस व्यक्ति को वो टमाटर सस्ता बेचना पड़ा। और जब टमाटर की शॉर्टेज हुई, नहीं आया किसी कारण से, उस दिन किसान अपनी फसल लेकर नहीं आ पाया मंडी में, तो भाव बढ़ गए। तो ये तो रहे पैरासिलर आइटम, जिसके बेसिकली उसी दिन के भाव आज और कल के भाव तय करते हैं, जो ये भाव है। दूसरी बात आपने कही, जो बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात थी कि जो दालों की बात है, जो पल्सेस आइटम है, जिनको बेसिकली स्टोरेज बड़े लोग करते हैं, जिनके इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर जो है उन लोगों की जो है चलती है, वो बात आपने दाल पे करूंगा मैं बात, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि ये बीज का मुनाफा कौन ले जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए मैंने आपको कहा कि जो बीज का मुनाफा जो वो है, देखिए दो चीजों का मुनाफा है, जो बड़ी आइटम्स के जो मुनाफे हैं उसमें निश्चित रूप से, देखिए आपको मैं बताता हूं कि आपको जो आपने चीनी की जिस तरह की बात कही कि यदि यही चीनी के उत्पादन यदि लगातार होते तो आज चीनी 60 रुपए किलो होती, क्योंकि चीनी की जिस तरीके के उत्पादन है और जिस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यदि इस चीनी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता या स्टॉक नहीं रखे जाते तो जो रॉ चीनी थी जिस स्टॉक्स के थे वो चीनी के भाव बढ़ते, लेकिन सरकार ने इमीडिएटली जब भाव बढ़े तो कंट्रोल किया। ये जो चीजें हैं, देखिए वो जो चीजें हैं उनमें बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बात कहा कि जो स्टोरेज की जो पोजिशन थी, आज स्टोरेज की जो भी बात कर रहे थे, लोनों की जो बात कर रहे थे, आज स्टोरेज के जो लोन दिए गए वो उन लोगों को दिए गए जिनके की जो आज भी जो है जो बड़े जो है वेयर हाउसेस बना करके बैठे हुए हैं, वो जो है किसान से आज भी जो है बहुत सस्ती मात्रा में, क्योंकि उसको अब माल बेचना होता है, उससे माल लेकर के लगातार की है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने किया कि पिछली बार जो इन्होंने 2013-14 के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन लेके आए, जब सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए, तो इन्होंने कहा कि आपको इमीडिएटली जो है यदि आपको सब्सिडाइज लेना है तो आप इमीडिएटली फसल को बेच करके आप जो है एक बार हमारा लोन चुकाएं। लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि नहीं, पिछली बार की जो पेमेंट नहीं है तो 2 साल तक यदि किसी आदमी ने अपना पेमेंट यदि लगातार किसान क्रेडिट कार्ड में नहीं जमा कराया है तो एक उसको जो है सब्सिडाइज अमाउंट की तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसका सब स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। खालिद कुरैशी साहब नमस्कार, आ रहा हूं जी। खालिद साहब, सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी हो, बीजेपी की या किसी दूसरे प्रदर्शन किसी दूसरे पार्टी की, लेकिन फायदा जो हुआ है हमेशा वो जमाखोरों को हुआ है, क्योंकि अगर किसी प्रदेश में 1 महीने या 20 दिन लेट से बारिश होती है तो जमाखोर उसका फायदा उठाता है, अगर कोई चीज 20 रुपए लेती है वो 40 रुपए किलो करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमल जी क्या समझे इस स्थिति को? मेरे ख्याल से बड़बड़वाल साहब आप बता दीजिए। मैं ये दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि किसान तो उस चीज का नाम है जिसका नाम देशी भाषा में पालती बोलते हैं, जो सबको पालने में खुश रहता है, उसको कमजोर करने में उसको कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहा था, उस मेहनत का प्रतिफल उसको लाभ के थ्रू मिलता रहता तो वो कर्जदार ही नहीं होता, नहीं तो उसको केसीसी की जरूरत थी, नहीं उसको और कोई सब्सिडी की जरूरत थी। आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से कि उसको उसके पसीने का पूरा पैसा दे दो और अपने सबसे सब्सिडी अगर देना है तो उपभोक्ता को दे दो। इस चीज को सस्ता देना है आपको, किसी को देना है? मेरे दूध की कीमत 3 फैट की 15 रुपए, अरे आप उपभोक्ता को दे रहे हो 36 रुपए। अब ये मेरे को तो ये समझाता हूँ कि ये 21 रुपए कहाँ जा रहे हैं? अगर वो 21 में से मेरे को अगर आप 30 दे दो तो मैं आपको कितना ही दूध दे दूंगा, बाहर से विदेश से पाउडर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर आप तो ये परिस्थिति है, मैं इसी बात का जिक्र करना चाह रहा था। बाबूलाल जी आप बताएंगे कि ये स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए खुली खुली बात है कि वाकई किसान की अगर संरक्षण करने चाहते हैं और फसल सही टाइम पे सही लेना चाहते हैं तो उसके स्तर पर हम क्यों नहीं स्टोरेज देते हैं, छोटे 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 स्टोरेज एक ब्लॉक बना करके उनके यहाँ दे दें। आज जो प्याज की स्थिति हो रही है, टमाटर की स्थिति हो रही है, अगर यही स्टोर हो करके वहाँ किसान के लेवल पे ही अगर स्टोर हो जाए तो बाजार संतुलित बना रहे और उपभोक्ता को सही टाइम पर सही चीज़ें मिलती रहे, ये सही है। पर हमने वर्ष गुजार दिए, हमने नया वादा दे करके आए माननीय मोदी जी कि हम ये करेंगे, अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए और अभी भी ऐसा लगता है कि किसान की उपज की कीमत, अभी चीनी की बात हो रही थी कि पहले गन्ने को सब्सिडाइज करना, फिर 30 लाख टन चीनी बाहर भेजने की बात करना और फिर जब भाव तेज हो जाएं तो स्टॉक सीमाएं लगाने की बात करना, ये तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिसका दिमाग ठीक नहीं हो, संतुलन ठीक नहीं हो, वो इस तरह के फैसले करता है। और माननीय रामविलास जी पासवान को मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि कृपा करके आप ये NCDX और ये जो विदेशी कंपनियां हैं जो आपके हाफ पर हावी हो चुकी हैं, कृपा करके इनको कंट्रोल कीजिए और उपभोक्ता को बचाइए जी। चलिए उपभोक्ता की बात है, कृष्णा कोरानी जी जयपुर से, नमस्कार कृष्णा जी।
सर सर नमस्कार, बताएं सर। मैं ये कहूंगा पिछले दो साल से किस चीज के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया महंगाई को लेके? जी आज दाल का भाव देख लो 120-130 रुपए किलो, आटा देख लो 25-30 रुपए किलो, किसी भी चीज को देख लो सर इन्होंने किस चीज के ऊपर काबू किया। आज ये कहते हैं कि ये हमारी राज्य सरकार गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए हम हेल्प करेंगे, दुनिया भर की ये बातें बताते हैं, मगर सर ये कहां किस जगह पे खड़े उतरे? आज इन्होंने बीपीएल की सुविधा निकाल दी, बीपीएल है ही नहीं बाजार, पूरे राजस्थान में बीपीएल नहीं है और जिनके पास बीपीएल है उनको सुविधा मिल नहीं रही है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका कमल जी। अब आप बता दीजिए कि इस सूरत में जमाखोरों को लेकर कोई खास उपाय नजर नहीं आते और ना ही सरकार इस बात को मंजूर करने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है, दावे होते हैं लेकिन वो दावे भी कितने खोखले हैं, इस बात का जिक्र अभी बाबूलाल जी ने कहा, खाद्य मंत्री का साफ तौर पर नाम लिया। देखिए जब नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए थे, विपक्ष में थे, यानी कहना चाहिए गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से वे कहते थे कि हम सत्ता में आए तो NCDX जैसे कमोडिटी के जो वायदा बाजार हैं उनको हम बंद कर देंगे तत्काल। अब जब वो खुद सत्ता में आए हैं, दो साल हो चुका है, वे स्पष्ट कहते हैं कि हम ये बंद नहीं करेंगे, यानी एक्सचेंज के जरिए। देखिए ये सीधा बात है, बाबूलाल जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो ग्रेन्स की भारत में काम कर रही है, 5-6 बड़ी कंपनियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा मुनाफा कमाती है। एक व्यापारी की एक स्टॉक रखने की भी एक हद होती है, उससे ज़्यादा कोई फसल का स्टॉक नहीं रख सकता। अगर उसे खरीफ में 3 फसलें मिल रही है और उसे अगर 200 टन रखना है तो वो 50-75 टन करके रखेगा, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों ने बम्पर रखा है। पिछली बार क्या बोलता हूँ, चने का एक विदेशी कंपनी ने, फ्रांस की कंपनी ने सबसे ज़्यादा यहाँ स्टॉक रखा था और अंत में चने के ऊपर स्टॉक लिमिट आई, बहुत झंझट हुए थे, लेकिन उन्होंने उसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाया। तो ये जो वायदा बाजार है, या तो उनको कंट्रोल करना चाहिए या इन्हें बंद करना चाहिए। जो खाने पीने के सामान नहीं है, जैसे हम ये कहेंगे कि बेस मेटल्स हैं, प्रीसियस मेटल्स हैं, गैस हैं, आप इनमें करिए ना वायदा, या वायदा चलाना तो आप कपास में करिए, चीनी में करिए, जिनमें हम विश्व के अंदर एक बड़े उत्पादक है। वहां कोई भी एक कमोडिटी के अंदर हर थोड़ी देर में न तो ऊपर का सर्किट लग सकता है, नीचे का सर्किट लग सकता है। चावल के अंदर आज तक कभी सर्किट नहीं लगा NCDX के अंदर, गेहूं में नहीं लग सका कभी भी, क्योंकि वो उन उत्पादन में हम बहुत बड़े हैं। लेकिन माइनर कमोडिटीज या जो आम उपभोक्ता की सीधी सीधे जिंदगी से जुड़ी कमोडिटीज है, उसमें वायदा बाजार को बंद कर दिया जाना चाहिए। अब एक और अश्विनी जी, मैं बात कहूंगा, जैसे मसाले, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी या काली मिर्च, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, उनके अंदर भी वायदा इसलिए बंद होना चाहिए कि जब इंपोर्टर खरीदता है वो कहता है कि आपके यहाँ तो वायदा नरम चल रहा है, लेकिन भारतीय मसाले विश्व में सबसे अच्छे हैं, उन्हें खरीदना भी है, लेकिन वायदा न होने की वजह से वे हमेशा भाव ले ही नहीं पाते, न निर्यातक न किसान। चलिए मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगा, इस चर्चा को दाल, चीनी और इससे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। सवाल अनाज का भी है, इस बार गेहूं का उत्पादन तो बेहतर हुआ है लेकिन गेहूं की जो कीमतें हैं वो भी आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। लेकिन सवाल किसान का जहां है तो किसान फिर भी मुश्किल में है, ऐसा क्यों है और ऐसे हालात को कैसे बदले जाए, बात इसी की होगी। जमाखोरों के खिलाफ जो सरकार की नीतियाँ वो कारगर तो हैं और जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं सरकार द्वारा वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होना ज़रूरी है। सिर्फ नीतियाँ बनाने से काम नहीं चलेगा, नीतियों से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले अधिकारी हैं, सरकार को डंडा चलाना चाहिए अधिकारियों पे, तो अपना आप जमाखोरी और उस पर अंकुश लगेगा। जमाखोरों के खिलाफ अच्छे दिन, अच्छे दिन।